सरायकेला सदर अस्पताल में व्याप्त अनियमितता को लेकर मंगलवार को विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य और झारखंड मुक्ति मोर्चा बुद्धिजीवी मंच के जिला अध्यक्ष छायाकांत गुराई ने सरायकेला सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां कई खामियां पाई गई। दोनों जन प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से सदर अस्पताल के अलग अलग वार्डों का निरीक्षण किया और वहां इलाजरत मरीजों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अजय सिन्हा भी मौजूद रहे। इस दौरान मरीजों ने अपनी पीड़ा बताई, जिसे जान सिविल सर्जन निरुत्तर हो गए। वही जन प्रतिनिधियों ने इसे लेकर सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई। साथ ही विधायक प्रतिनिधि ने बताया कि सिविल सर्जन कार्यालय के नाक के नीचे स्थित सदर अस्पताल में घोर अनियमितता हो रही है और इससे मरीजों का बुरा हाल हो रहा है। एडमिट कर रहा है और छोड़ दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, बस अपना काम कर रहा है। पैसा लेने टाइम ठीक रहता है, उस टाइम जब पैसा नहीं मिलता है ना, उस टाइम कहीं दौड़ता इधर उधर, हमको पैसा नहीं मिला। अगर जब एडमिट आया तो उसके बाद वो लोग बोलेगा भी नहीं कि कैसा है, कौन क्या कर रहा है, वो नहीं देखता है। कौन पैसा लेता है, पैसा कौन लेता है? जब नर्स लोग, उन लोग का ड्यूटी है कि ये लोग को देखना है, स्टूडेंट लोग को देखना है, तो उन लोग देखता नहीं है, बस एडमिट कराया और छोड़ देता है। आप डॉक्टर से बात किए थे? हाँ, हम किए थे डॉक्टर से बात। डॉक्टर क्या बोलते? डॉक्टर बोला कि बाद में दे देंगे दवाई, इसके बाद तो नहीं दिया। जब ज्यादा हमको, चलिए हमारे साथ हो गया, कोई बात नहीं, हम कोई लाभ लश्कर लेके नहीं आए, हम ऐसे ही आम आदमी की तरह आए। तब हमने शिकायत की कि भाई ऐसा क्यों है, सदर अस्पताल की तो पूरी व्यवस्था सिविल सर्जन के हाथों होती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रथम दृष्टया मैं देख रहा हूँ कि सारी लापरवाही जो है वो सिविल सर्जन साहब की है। मैं तो कहता हूँ कि विभागीय मंत्री से इनकी शिकायत में लिखित करूँगा। और हमारे जो विधायक प्रतिनिधि हैं सनत आचार्य, उनके साथ मैंने मुआयना किया हॉस्पिटल का और पाया कि यहाँ जो लापरवाही है, यहाँ स्टाफ की कमी से ज़्यादा चलता है कि ह्यूमैनिटी है नहीं।